जय श्री राम दोस्तों, आज अनदर मैच, एक दोबारा से फिर से हम लोग मैच खेल रहे हैं आज, यूनी क्रिकेट एकेडमी वर्सेस गिरी क्रिकेट एकेडमी। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था बार बार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, बच्चे आ गए हैं कुछ गिरी एकेडमी के और कुछ हमारी एकेडमी के। अभी देखते हैं, 7:30 का हमने टाइम दिया मैच स्टार्ट करने का, कितनी बजे होता है अब पॉसिबल, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ नहीं आए अभी तक, बाकी देखते हैं यार, पिछका भी पता नहीं है, अभी पिछका भी देखते हैं कैसा रहेगा। दोनों कप्तान, दोनों एकेडमी के कप्तान रोलिंग कर रहे हैं और इनकी टीम बाकी कहाँ है पता नहीं। कप्तान रोलिंग कर रहे हैं। कैसे हो आरिज? हरलमीर आप? रवि क्या है? अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं। ये ग्राउंड जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जूनियर बच्चों के लिए सफिशियंट है, एरिया एंड पिच वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, फिलहाल तो देखने में तो अच्छी है, बाकी अभी खेलेंगे जब पता चलेगा। अभी यहाँ पर पिच के लिए थोड़ी सी बहस चल रही है प्रियांशु और हिमांशु में, ये विकेट क्या गया, क्या कह रहा है हिमांशु विकेट आज? ठीक लग रहा है, आपको अच्छा चलेगा, और प्रियांशु का कहना है जो वहाँ पर पेज बन रहा है ना, हाँ उस पर बॉल डाला गया मेरे को ये, और डाल दे उस पर एक बॉल भी डल जाए, इससे पूरे मैच में अगर एक बॉल भी डाल दे ये, तो मेरी तरफ से सबको फ्रूटी बस। अगर इससे अगर इससे अगर उस स्पॉट पे बॉल डल जाए तो दोनों टीमों को फ्रूटी दूंगा पक्का, गारंटीड। अगर हाँ तो इसीलिए वो तेरा क्या, वो किसी का भी पैच ही नहीं है, वो देखो ना, वो मीडियम पेसर्स का है ना, वो स्पिनर्स का है, कुछ भी कर सकता। बहुत अच्छी बहस चल रही है यार, जो गिरी अकेडमी के जो बच्चे आए हैं ना भाई, बहुत खुश हैं कि अरे कि ग्राउंड देखकर और पिच वगैरह देखकर कि काफ़ी अच्छी पिच है, बोल रहे थे कि भैया बहुत अच्छी पिच है ना। सच में यार बहुत दिल से खुशी मिलती है कि यार अपन ने जंगल में मंगल वाला सीन कर दिया, कि यार जहाँ पे ये नहीं पता था कि कौन, कोई इंसान भी आ सकता है क्या, मतलब जो अकेडमी का जहाँ एरिया है ना, हर जगह घर वगैरह है, सिर्फ यहीं पर है कि थोड़ा जंगल टाइप का है, बिल्कुल नदी बिल्कुल पास में है, तो लोग मतलब सोचते थे यार कि मतलब क्या जाएँ, कहाँ जाएंगे यार, यहाँ कोई ग्राउंड होगा क्या, कैसे भी चीज़ों को। और लेकिन आज भाई यहाँ पे लोग आने लगे हैं, अभी कुछ दिनों में बहुत एक अच्छी सी चीज़ होने वाली है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जितनी होंगी ना, मैं 99% कोशिश करूँगा उस चीज़ को करने की। तो वही चीज़ है कि अब हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत तगड़ा कुछ होने वाला है, और उसके लिए आपको ना मेरी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो अपडेट्स हैं मैं वीडियोज़ में ही अपलोड करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, आप भी बहुत खुश होंगे कि अरे यार भैया ने क्या कर दिया, और बहुत ही तगड़ा वाला कुछ काम होने वाला है। अकेडमी का ग्राउंड में घूमते रहो और आप लोगों से बातें करते रहो, चीज़ें शेयर करते रहो, बताते रहो, और आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो करते रहो कमेंट्स में, उसके बारे में भी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। बहुत सही चीज़ मिल गई मेरे को लाइफ में, कि जिसमें मैं थोड़ा सा खुश रहता हूँ। देखो यार, मैं अपनी चीज़ें जब शेयर करता हूँ ना, मतलब कुछ भी क्रिकेट से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, तो बड़ा मज़ा सा आता है यार, सच्ची स्वाद आ जाता है एकदम बातें करते करते करते। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार ये चीज़ें, क्योंकि देखो ना तो मेरा कोई वैसा दोस्त कि ना जिसके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करूँ, ना कोई और, समझ जाओ कोई और क्या, ठीक है, तो किससे बातें करूँ, तो मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे भाई जो मुझे इतना सपोर्ट करते हो सारी चीज़ों में, मेरी इतनी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं दिल से बच्चे यार मुझे, है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बातें करता ही रहता हूँ और चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ कि एकेडमी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसी क्या चीज़ें हैं। तो उसमें क्या अलग से वो है, पहले तो हमें ये बताना पड़ता था कि अरे अरे है ना आज हम ये करने वाले हैं, आज वो करने वाले हैं, है ना आज ये बच्चा आ गया। अब हम इसी चीज़ में ना उस चीज़ों को दिखा देंगे कि यार कौन सा बच्चा आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे क्या है, तो उसमें क्या एक अलग ही स्वाद है कसम से, है ना। और आप अपडेट्स मैच की मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पूरे ब्लॉग में मैच नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसमें मेजर क्लिप्स हैं, जो अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, उससे क्या आपको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, ताकि मैं बाकी जो टाइम है प्रैक्टिस वगैरह करवा दूंगा, अभी बच्चे आने वाले हैं सेशंस के लिए, है ना, तो फिर उनको प्रैक्टिस करा के सारी चीज़ हो जाएगी। पहले तो तू ये बता लेट क्यों आई, है ना, 7 बजे का टाइम था, 7:30 बजे मैच चालू हो जाना चाहिए था। अभी तुम लोग तो केवल अभी 6-7 लोग ही हो क्या, कबड्डी थोड़ी खेलेंगे अपन। गाड़ी में आ रहे हैं पीछे, सर ने सबको ही वहीं रोक लिया था, अब सर को कैसे, आप कितनी देर पहले मैं 6:40 पे आ गया था, बहुत लेट मैच, नहीं 7:30 में हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, टाइम लेट नहीं होगा। तनिष वगैरह कहां है? वो कार से आ रहे हैं, मैच तो उसी समय स्टार्ट होगा जिस समय आपने खेल दिया। कहां हुआ यार, कहां टॉस तो हो, कम से कम टॉस हो जाएगा तो कम से कम एक उम्मीद रहेगी कि हां जी। प्रियांश
तुम तैयार तो हो, बोला ना प्रियांशु तो वही है, वो तो वहीं पे मिलेगा तुम्हें विकेट वगैरह भी। हमारे लड़के का थोड़ा एक्टिव रहता है भाई। गिरी एकेडमी के बच्चे आते हुए, गिरी एकेडमी के बच्चे आ चुके हैं। हाँ हाँ तो आओ तो सही। अरे इधर आओ। अरे युवराज उनको लो ना, स्ट्रेचिंग वगैरह पे मैच स्टार्ट होगा बस 5 मिनट में। कैप्टन दिव्या और प्रियांशु ठीक है, कौन कॉल करेगा पहले? चलो चलो आप गेस्ट हो, आप ठीक है कॉल आप पड़ी है। सिक्का सिक्का हेड्स एंड डेल्टिक तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि टॉस करवा दिया है मैंने गिरी एकेडमी और प्रियांशु, कैप्टन दिव्या और यूनिक का प्रियांशु, प्रियांशु ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग ली है। काफ़ी अच्छा डिसीजन है यार मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है क्योंकि विकेट बाद में क्या है बहुत टर्निंग हो जाता है, मतलब रफ हो जाता है, रफ के बाद बॉल बहुत तगड़ा घूमता है, तो अच्छा डिसीजन है। देखते हैं अभी क्या होने वाला है मैच में, कैसे क्या सेटअप रहेगा पूरा, कप्तान क्या करेगा अपनी टीम के साथ। लास्ट मैच तो हार गए थे, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। दोनों टीमें अपनी टीम है, गिरी सर की भी अपनी टीम है और यूनिक भी अपनी टीम है, तो कोई बिल्कुल भी 1% वो नहीं है कि यार कौन हारेगा कौन जीतेगा, क्योंकि हम लोग तो यार बिंदास के खिलाने के लिए खेलते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं है कि जीतना है जीतना है, बच्चों को चांस मिले, दोनों टीमों को चांस मिले खेलने का, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सर कितनी सेकंड की बनानी है, कितनी सेकंड की बनानी सर? भाई अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट ओवर अभी डलने वाला है, थोड़ा सा बीच में काम बढ़ गया था इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग कम कर दी थी, मतलब क्लिप कम बनाई। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, युवराज भागता हुआ बॉल डालते हुए, ये देखो फर्स्ट बॉल डल गई मैच की। मैं भी दिखा रहा हूँ आपको मैच का, रुको सेकंड इनिंग सेकंड बॉल से, सॉरी। ये देखो ग्राउंड वगैरह, युवराज सैनी बैटिंग कर रहा है, शाहजेब अली शानदार मैच। ये देखो सेकंड बॉल डलती हुई, बढ़िया 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 शानदार माहौल मैच का, बहुत शानदार मैच चल रहा है, काफ़ी अच्छा मैच, सुपर मैच, बहुत अच्छा बॉल अभी चढ़ता हुआ गया ऊपर। इसको मुरली बोल दे, इसको अर्जुन को और तेरे को दोनों टी शर्ट अंदर कर लो, तो तुम अभी तुम्हारी रेल पीट दूंगा, ध्यान रख लेना। ये बाउंड्री बाई के स्कोरिंग कर रहे हैं ना कोई? हाँ ठीक है, काफी अच्छा मैच। कैच ड्रॉप हो गया और बाउंड्री। यार बच्चों को बहुत गालियां बढ़ रही हैं, दो रीजन है उसके, एक तो उनका ड्रेसिंग सेंस एंड दूसरा इनका क्या बोलते हैं डिसिप्लिन। दो तीन बच्चे हैं एकेडमी में जो हमेशा ही प्रैक्टिस में भी लेट आते हैं, मैचों में भी लेट आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कब तक किसी चीज़ को सेंड कर रहे हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आज इनकी बहुत भयंकर डांट लग चुकी है और साथ ही इनका ड्रेसिंग सेंस की बहुत बार इनको समझाया मैंने कि कैसे एक प्लेयर रहता है, कैसे उसको कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उसको शूज़ वगैरह लेना चाहिए, लेकिन बच्चों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि कुछ तो बोलते थे कि कंडीशन ख़राब है सर, कंडीशन से यार कहाँ तक चीज़ों को बोलेंगे, ठीक है कंडीशन सबकी ख़राब रहती है लेकिन उसमें एडजस्टमेंट अपन को करना पड़ता है। जैसे आप कभी कहीं बाहर खेलने जाओगे या फिर कोई अच्छी टीम से खेलोगे, अच्छी टीम क्या होती है यार, अच्छी टीम वही होती है जो कि रूल्स में अच्छी हो, जो डिसिप्लिन में अच्छी हो, जो खेलने में अच्छी हो, क्योंकि खेल अच्छा तब हो जाता है जब आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना। और बिल्ड कैसे होगा, वो होगा आपका कि आपका सेंस, मतलब कपड़े पहनने का सेंस कैसा है, आपका ग्राउंड में खड़ा होने का सेंस कैसा है, आपको बात करने का सेंस कैसा है, आपका क्रिकेट के लिए कितना मींस कि आप कितना उसको अंदर से मतलब फील करना चाहते हो। उसको फील करने के लिए आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, दुल्हन को कपड़े पहन के मैच खेलना जाना चाहिए। अभी जैसे हमारी टीम में 3-4 लड़के हैं, पूरा रंगारंग कार्यक्रम कर रखा है कपड़ों के साथ, लाल कपड़े कहीं से भूरे,
कहीं से मिट्टी मिट्टी घुटनों पे, तो इस तरह से मैच खेलते हैं। जबकि इनके पास वाइट ड्रेस धोने का पूरा दो दिन थे, दो दिन, परसों मैच हुआ था, परसों से अभी तक इनके कपड़े धुले नहीं, पूरा रंगारंग। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं कपड़े वगैरह भी दिखाऊंगा अभी इनके सबके, पूरे नीचे से ऊपर तक, आप उसमें देख के कह सकते हो कि अलग अलग बिरादरी के लोग हैं सारे इसमें, कह सकते हो कि पूरा हिंदुस्तान खेल रहा है। क्योंकि एक टीम होती है वो तो एक जैसी दिखेगी, लेकिन जब अलग अलग खेल रहे हैं तो फिर बहुत, मतलब गंदे कपड़े पहन के मैच खेलने आ गए मेरी टीम वाले लोग, मैं शान वाली टीम नहीं बोल रहा, हमारी टीम जो यूनिक के प्लेयर्स हैं, अलग अलग कपड़े, गंदे कपड़े, बिना धुले हुए कपड़े, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है कि कब आ रहे हैं, जब नींद खुल रही है जब आ रहे हैं, वार्म अप क्या होता है तो पता ही नहीं है। इतनी बार जब समझा दिया बहुत सारी चीज़ों को, तो इसमें क्या प्लेयर की गलती होती है, इसमें कोच जब आपको बहुत बार समझाता है तो प्लेयर फिर भी उस चीज़ को नहीं करना चाहता, तो उसमें कोच और एकेडमी का कोई मैटर नहीं होता, उसमें प्लेयर का फॉल्ट होता है। आप प्लेयर को कहाँ तक किस चीज़ में मतलब ला सकते हो, नहीं लाना चाहिए, आपको उतना ही करना चाहिए जितना कि वो डिज़र्व करता है। और अगर कम प्रैक्टिस करवाओ तो फिर कंपेयर करते हैं, जब कम प्रैक्टिस होती है तो फिर कंपेयर करते हैं किसी और एकेडमी से कि वहाँ इतना होता है। लेकिन वही जब पैसे की और डिसिप्लिन की बात आती है ना, तो वहीं पे वो खिलाड़ी फ्लॉप हो जाता है, ये रियलिटी है। क्यों आ रहे, सही बोल रहा हूँ गलत? सही बोल रहे हो। आप जब भी एकेडमी आते हो तो धुले हुए कपड़े पहन के आते हो, गंदे साफ कपड़े पहन के आते हो ना? ये भाई आरिज है, बहुत अच्छा लड़का है, इसके पापा बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे बच्चा, बिल्कुल मतलब लगता है कि हाँ छोटा बच्चा है जिसको अभी 3 महीने खेलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये दिखता है कि हाँ यार एक प्रोफेशनल एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जो हमारे जो सीनियर लड़के हैं ना, उनको देख के इतना लगता है कि यार ये कहाँ आ गया, मैं खुद ये सोचता हूँ कि यार मैं कहाँ आ गया। क्योंकि लेवल एक अकेडमी का ना, प्लेयर्स उठाते हैं और प्लेयर ही लेवल गिराते हैं, और वो डिपेंड करता है प्लेयर्स पर कि कैसे क्या करना होता है। अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मतलब सर क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि आप भी अगर एकेडमी कहीं जाते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी चीज़ों को आपको परफेक्ट रखना होगा, ताकि आपको अंदर से फील हो कि हाँ यार आप प्लेयर हो। और जब आपको लगने लगेगा ना आप प्लेयर हो, तो आप अपना 100% देना स्टार्ट कर दोगे, आपका अच्छा गेम इम्प्रूव होगा, आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल पाओगे, सारी चीज़ें कर पाओगे। तो इसीलिए आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी मैचेस की क्लिप मैं आपको अभी पूरी दूंगा और बाकी चीज़ें बताऊंगा रियल लाइफ में कि क्रिकेटर्स को कैसे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबल हो सकता है। अरे भाई ऐसा भी नहीं कि परफॉर्म ऐसा करते हो कि यार मेरा दिल कुछ कर गया, जो मेरे लड़के भले गरीब है लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिल फिर के भेज देंगे, कोई भी लिया ना भले लाख ला नहीं पा रहा हूँ मैं, ये देख ले तू शरीर पर डाल रखी है। प्रियांशु चेक करके बैट मत फेंक, प्रॉपर हेड स्टिल रख, बैलेंस बना के रख बॉडी का प्रॉपर बैलेंस, गिरा मत। बहुत दुख की बात है भाई, हालांकि कि राजू ने मुझे एक सजेशन दिया है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि वो सही है गलत है। राजू ने बोला कि जो मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ वो 15-20 मिनट के बनाऊँ, ताकि मेरी ऑडियंस रुक जाए 15-20 मिनट के, इसमें लंबे पे नई ऑडियंस रुकती नहीं है। और भाई सच बताओ यार, कि छोटे ब्लॉग्स बनाओ या बड़े ब्लॉग्स बनाओ, मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहता हूँ। सेक्शन में बताओ छोटे बनाने चाहिए, आपको किस तरह का ब्लॉग चाहिए, कितनी देर का चाहिए, आप बता सकते हो दोस्त को। हाँ बिल्कुल यार, भाई आपके लिए वैसा ही बना देगा, 10 मिनट का चाहते हो 10 मिनट का, 15 मिनट का चाहते हो 15 मिनट का, जितना भी ड्यूरेशन का चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्योंकि देखो मैं इसलिए बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ राजू, है ना, कि पब्लिक बोलती है कि सर मैच का कुछ क्लिप बताओ, तो क्या मैच की क्लिप बनाते 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 बहुत टाइम हो जाता है। देखो यार मैं मैच के टाइम पे क्या फ्री बैठा रहता हूँ, तो करूँ क्या,
तो मैं सोचता हूँ कि यार यूज़ ही ले लो, आपने अगर कुछ करना है तो फिर यूज़ लेके, इसलिए फिर बनाते रहते हैं। तो राजू मतलब कितने, चल अभी मैं राजू से एक शर्त लगाने वाला हूँ कि किस पे व्यूज ज़्यादा आएंगे, ठीक है, 15 मिनट वाले पे या फिर 1 घंटे वाले पे? मेरा अकॉर्डिंग 15 मिनट तक, ठीक है। राजू बोल रहा है कि 15 मिनट की, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कितने देर का पसंद है, ठीक है। अगर 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 50 मिनट तक का ब्लॉग पे अगर ज़्यादा व्यूज आते हैं एक दिन में, ठीक है, तो मेरी जीत होगी। तो अगर मेरी जीत हुई तो आपको एक लेदर बल मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। और 15 मिनट के ब्लॉग पर अगर ज़्यादा व्यूज आए तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, एक एक दिन के उसमें, ठीक ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं तो बड़ी पार्टी लूंगा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। 5 ओवर में 5 विकेट गिर गए, 5 ओवर में लास्ट के 5 ओवर में, तो मैं मतलब वो 20-20 बॉल खेलने वाले जो प्लेयर हैं नेशनल, उनकी मैंने जो देखा 20 से 22 बॉलर की प्रैक्टिस करते हैं, वो तुमसे अच्छी बैटिंग कर जाएंगे, वो 20-22 बॉलर पूरे दिन भर में फेंकते हैं, वो तुमसे अच्छी बॉल डाल गए, फिर तुम इतने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 6-7 घंटे है ना उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास लेदर बॉल है नहीं खुद की पर्सनल, उनके सबके पास 5-5-6 लेदर बॉल है, अभी बैग में जाके चेक कर लो जाके, अभी भी अभी तुम एक्स्ट्रा इतने फेंक दोगे, वही देर से रन नहीं बने, देर से शायद 42 बॉल 10 रन है, टेस्ट मैच था क्या, टेस्ट मैच था क्या, तू प्रैक्टिस करो, तू ऐसे बैट चलाता है कि जने मार देगा बॉलर को, और मैच होता तो तू भुला बन जाता है। प्रियांशु अगर रुक के बैटिंग नहीं करता इतनी देर तो तुम्हारे 100 रन नहीं बनते, लिख के ले लो तुम अभी भी 100 रन बना लेते, गारंटी थी। वसीम जब 5-2-3 चौके छक्के तूने मार दिए फिर भी तू गिरा रहा है, क्या बोला था मैंने कि तू 2-3 चौके छक्के मार के भी क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो पूरे तेरी बैटिंग में अभी वही तेरे पास चौके छक्के भी मारने का टाइम था, तू मारता हिट भी कर सकता था, अभी वही चीज़ अगर प्रियांशु करता वो 10-12 रन का आउट हो जाता, तुम्हारा इतना स्कोर बनता क्या, तेरे पास 5 ओवर बाकी था उसके बावजूद भी 5 ओवर, अगर तू हर ओवर में भी 14-14 रन बनाता तो तेरे खुद के कितने रन हो जाते, इतनी बैटिंग कराते हैं यार, इतने इतने चांस दे देता फौजी बैटिंग में, 3-3 4-4 चांस दे रहा है बैटिंग में, वहाँ तो तू लड़ाई करता ही तो आउट नहीं है, ये तो वहाँ से निकल जाएगी, ये तो यहाँ से निकल जाएगी, और अब मैच में हो गया छाती पे आके बैठ गया तू, तूने इतनी देर से तू मेरे को वहाँ देख रहा था कि मैं गिरी सर के साथ बैठा हुआ था, मैं कितनी बार गिरी सर के बगल में बैठा, कितनी बार, जिनसे सीखते हैं ना उनके बराबरी में कभी नहीं बैठते, समझ गया, जिन्होंने आपको अभी ज़िंदगी में कुछ सिखाया होता है ना उनसे 2-3-4-5 फुट की दूरी पर बैठना चाहिए हमेशा, उनसे आपको सीखना है, उनको आपको सिखाना नहीं कि आप बगल में बैठ के आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करने बैठ जाओगे, मुझे लाइफ में कभी भी देख के बता देना तू कि मैं किसी भी कोच के साथ ऐसे चेयर लगा के बैठता हूँ, कहीं भी कितने भी बड़ी सोसाइटी में बैठा लेना, कितने बड़े ग्राउंड में बैठा लेना, कितने बड़े टाइम में बैठा लेना, मैं कभी भी कोचेज के बगल में, जिन्होंने मुझे कभी भी 1% भी सिखाया ना, मैं कभी उनके बगल में नहीं बैठता, मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, देख लेना कभी भी, तू बगल में बैठ रहा बोलने के बावजूद भी नहीं उठ रहा, अरे मैच हार गया ना तू गलती से, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें शाम तक दौड़ूंगा दौड़ूंगा, किसने भी एक्स्ट्रा के रन दे दिए, और दूसरी बात जब भी आप बैट्समैन जब भी तुम प्रैक्टिस आओगे अपनी 2-3 पर्सनल बॉलर सबको लेकर आनी है, ध्यान रखना जिस बॉलर के पास बॉलर नहीं मिली और जिस बैट्समैन के पास बॉलर नहीं मिली उसको बैटिंग और बॉलिंग नहीं करने दूंगा, बॉलर मैं भी दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें बॉलर दूंगा, मेरे नेट्स के लिए सबके पास मिलना चाहिए, किसी का भी फटे लोअर जूते और सबके पास अपना पर्सनल किट होना हो जाना चाहिए, 15-30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जितने भी अकेडमी में क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सुबह सबके पास अपना अपना किट होना चाहिए, कोई कंबाइन नहीं कि हम इसके साथ मिलकर ले लें हम उसके साथ मिलकर ले लें, सबके पास सबका पर्सनल होना चाहिए, जितने मीडियम प्लेयर्स हैं सबके पास स्पाइक जूते होने चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जो भी बैट्समैन है उसके पास इंग्लिश बैट होना चाहिए, मैं जो मेरे 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मैं 15 दिन में अगर नहीं मिलेगा मैं उसके 16 दिन में आपको अकेडमी से भगा दूंगा, जिसकी फीस बाकी है वो फीस जमा हो जानी चाहिए अगले कितना तारीख है 16 तारीख है ना 17 तारीख 30 तारीख तक जितने बच्चों की फीस बाकी है चाहे वो 1 महीने का बोला हो चाहे 2 महीने का बोला हो चाहे 3 महीने का भी बोला हो उसकी 30 तारीख तक पेमेंट जमा हो जाना चाहिए सबका ईमानदारी से, कोई जो भी बच्चा अगर टाइम पर नहीं आएगा चाहे अर्जुन आप हो आप दुकान चलाते हो वो आपको एडजस्टमेंट करना, मैं भी 2-3 बजे उठ के आता हूँ
मैं भी रात भर जगता हूँ, तू 11 बजे सो जाता होगा, मैं 2-3 बजे तक उठ के आ जाता हूँ मैं सवेरे तक। मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए किसी का 1% भी। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो तो आपको उसके डिसिप्लिन आना चाहिए। जिन बच्चों के पास वाइट ड्रेस नहीं है सब निशांत को 1-1,000 रुपये जमा करा देंगे। जिन भी बच्चों के पास वाइट ड्रेस नहीं है अकेडमी की सब जमा करा देंगे उसके पास, है ना, वो मंगा देगा या मैं मंगा दूंगा, एक जोड़ी सबके कपड़े आ जाएंगे। जिसके पास अगर लगता है कि यार कपड़े धुलने, मैं इसके नहीं बोल रहा कि यार मेरे को पैसा कमाना है, लेकिन जो मैं देखता हूँ ना अभी, तुम्हें सीरियसली तुम सोचो, वो सारे बच्चे अब एक साथ मैच खेल रहा था ना, लग रहा था कि हाँ यार कोई टीम मैच खेल रही है, तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम मैच खेल रहे हो। प्रियांशु के पास तो चलो डिस्ट्रिक्ट के कपड़े, चलो उसका चल जाएगा, लेकिन तुम तो अभी कुछ नहीं खेले, तुम्हें तो करना पड़ेगा। फौजी हम, मेरे को तो लगता था कि तू यहीं पे ऐसा कर रहा है, तू तो वहाँ भी ऐसा ही कर रहा था जैसा वो बता रहे हैं कि आता नहीं था, है ना, मैचों में फ़ोन करते रह जाओ, है ना, फ़ोन नहीं उठाता था। बेटा ये डिसिप्लिन ना तेरे को ले डूबेगा, इसलिए भिड़के खेलना है, एफर्ट डालना है, कोई कैच ड्रॉप नहीं करना, 1% भी कैच ड्रॉप नहीं करना। और ये लाल पीले नीले जूते वूते किसी के नहीं, सबके साफ सुथरे कपड़े पहन के आएगा अकेडमी में जो भी आएगा, चाहे 1 जोड़ी कपड़े रखो, चाहे 2 जोड़ी कपड़े रखो, चाहे 3 जोड़ी कपड़े रखो, मैं गंदे कपड़ों में किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा आने की। जिसको जो खाना है जल्दी खा लो, है ना, और क्या बोलते हैं, तो जल्दी से मैच खत्म होना चाहिए। उनके बाद एक ही बैट्समैन है हिमांशु, उसको तुम्हें कैसे भी तुम्हें आउट करना है, कुछ भी करना है, मतलब अच्छा मैच होना, टोटल अच्छा मैच होना चाहिए। उन्होंने भी एफर्ट डाला फील्डिंग में, भले मिसफील्ड कैच छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारे इतने सही बैट्समैन होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें 182 पर रोक दिया स्पाटे विकेट पर, तो तुम्हें भी वही करना है, कम से कम स्कोर पर रोकना है, अच्छा भिड़के खेलना है, ठीक है। ये जाओ खा लो पी लो अपना जो खाना। तो दोस्तों जैसा कि आपने भी इस क्लिप में देखा कि कैसे प्लेयर्स को मैंने डांटा, क्योंकि यार डांटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली बच्चों को सिखाता हूँ, है ना, एज अ ब्रदर उनको ट्रीट करता हूँ कि यार कैसे क्या करना है। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी हो गई कि आज मुझे सीरियसली खुद बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार कि जो सामने वाली अकेडमी थी इतने प्रॉपर ड्रेस में, इतना अच्छा उनका मतलब लग रहा था ड्रेस कोड की अच्छा है, और जो मेरी अकेडमी के जो प्लेयर्स थे उनके ड्रेस कोड में ऐसा था कि कुछ भी रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, रंग बिरंगे मीन्स कि अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुआ, लग ही नहीं रहा था कि कोई एक टीम मैच खेल रही है। तो इसीलिए मैंने उनको डांटा, बहुत डांटा मैंने बहुत सारी चीज़ों का। अभी और देखते हैं मैच में क्या होता है, अभी मैच में सिचुएशन क्या रहेगी, इनकी बॉलिंग इनकी फील्डिंग कैसी रहेगी। बैटिंग तो 182 रन बना लिए हैं लोगों ने, वो थोड़ा सा क्या स्टार्टिंग में डेड हो गया, 15 ओवर में 30 रन थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ओपनर आया नहीं था तो इस चक्कर में। तो बाकी अभी देखते हैं मैच की सिचुएशन क्या रहती है, मैच में क्या होने वाला है। मैच अब यूनिक टीम आ चुकी है फील्डिंग पर, यहाँ पे ओपनर मन पारे था, ये मन पारे था जो ओपनिंग की तैयारी कर रहा है अब, दिव्या हाड़ा। तनिष कैसा लगा आज कैच छोड़ के, क्या होने वाला आज अकेडमी में आपके साथ? बहुत बुरा। बहुत बुरे में क्या होगा, कुछ नहीं। एक केशव जिसने 4 विकेट लिए, केशव ही है ना, केशव ने वो लेग एम्पायरिंग पे अभी 4 विकेट ले चुका है, 5वां भी आ जाता कैच छूट गया लास्ट बॉल पे। ये कैच का मत डालो, ये टाइम क्यों रहा है, डल गया वो तो कैच का, तो कि ये कैच ही तो डलता है, इतना क्रूशियल कैच छोड़ा इसने। भैया आराम से बैटिंग की वीडियो बनाना, ठीक है। हेलो, ये दिव्या इसने भी आज कैच छोड़ा, आज इन्होंने कैच ही कैच छोड़े, आज इनको बहुत कुछ हो जाएगा इनके साथ। पहला कैच मेरे हाथ में आना चाहिए निशान भैया, निशान लेबर बॉल डाल दो अभी, देख लो दोस्तों देख लो डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। तू आगे रह बेटे, तू आगे रह अपना कर। अभी बॉल खो गई, एक बच्चा जेब में रख के भूल गया बॉल को। आजाद इंदु आज भी इसने धोनी की तरह मारने की कोशिश की और आउट हो गया। ये कड़ी कचौड़ी आती हुई, प्रदीप कचौड़ियों का चूरण करता हुआ, प्रदीप की जिंदगी कल से मैंने चूरण कर दी, बहुत डांट पड़ रही है कल से इसमें और अभी तो और पड़ेगी। निशान राजू कैसा लग रहा है कचौड़ी देख के? है काफी मजा आ रहा है, ऐसा मिला है जैसे भूखे को सहारा, और क्या। बहुत शानदार मैच चल रहा भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
एक लाइन बेटे डंडे पे खिलानी पड़ती है, बोले डंडे पे मिडिल स्टंप से बाहर निकल आउट स्विंग हो, और इसे मिड विकेट लेके रखना, मिड विकेट लेके रखा करो, मिड विकेट लेके रखा करो, सेफ चलने दिया करो। इतनी बाहर फेंकेगा तो लेफ्ट ही करता रहेगा, थोड़ा खिला उसको नहीं। अभी यूनिक क्रिकेट अकेडमी ने अपना पहला विकेट ले लिया है, दिव्या आड़ा के रूप में सबसे पहला विकेट मिला निशांत शर्मा को। अच्छी बॉल डाल रहे हैं लेकिन विकेट से बहुत बाहर बॉल फेंक रहे हैं, स्टंप की लाइन में अभी तक बॉल नहीं डाल पा रहे हैं, जबकि जो उनको स्पॉट बॉलिंग करवाई जाती है, जो उनको चैनल बॉलिंग करवाई जाती है, वो स्टंप टू स्टंप की कराई जाती है। लेकिन फिर भी पता नहीं प्लेयर्स को अचानक से क्या हो जाता है यार, कि अपन उनको जो प्रैक्टिस कराते हैं वो मैच में अप्लाई नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों में क्या कन्फ्यूज़न रहता है यार, क्योंकि कोई कोच नहीं चाहता कि उसका प्लेयर ख़राब हो या वो ख़राब बॉल डाले या कैसा भी हो, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को चैनल बॉलिंग करवाएं, चैनल पे बॉल डलवाएं, और वही मैटर करता है वो सारा। एक और विकेट आ गया, बहुत जश्न का माहौल सा चल रहा है। फॉलो थ्रू में ऋषभ ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बॉल डाल के खुद ही ने कैच पकड़ा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया शाबाश। तेरी बैटिंग की जरूरत है अब तेरी तूफान, तेरी तूफानी बारी अब कुछ करेगी काम। मैं बैट करूंगा अब। कितना रन चाहिए? 114 रन चाहिए। अबे भाई आउट करो, कहाँ क्या तुम क्या, 5 की रन रेट आ गई बेटे, 5 की रन रेट आ गई है, तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी इस बाउंड्री के हिसाब से, इस ग्राउंड के हिसाब से। अभी इनकी टीम की रणनीति चेक कर रहे हैं अभी अपन लोग, क्या रणनीति है इनकी फिलहाल, क्या लग रहा कौन जीत सकता है? बस हमें जीतेंगे और तो क्या होगा, अपना काम खेलेंगे, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, मैच की पटरी जिताने के लिए। बड़े मैन ऑफ द मैच वो बन जाएगा तो जीती गए वैसे ही तुम। केवल वीडियो बाजी का खिलाड़ी बचा है तू, केवल लाइक करेगा इसका फोटो आगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट। यूनिक क्रिकेट एकेडमी अभी मैच जीत गई है, एक गिरी एकेडमी के सारे प्लेयर्स डिस्कस करते हुए मैच के बारे में, फिर तो जगह हो जाएगी, सारे लड़के लड़की सब यहीं पर हैं। ये अमन सुखी भैया का लड़का, मेरा भी चैनल है उसको भी कर देना क्रिकेट क्लास यूट्यूब पे, वेरी गुड, डाल दूंगा। वेल प्लेड नागर, केशव का है, वेल बॉल, वेल विकेट कीपिंग, जानवी क्या क्रिकेट दे रहे भाइयों। अभी यूनिक क्रिकेट एकेडमी के बच्चे मैच जीत गए हैं गिरी एकेडमी से, लेकिन इन्होंने लास्ट बैट्समैन जो 10वें नंबर का बैट्समैन था उससे इन्होंने 47 रन बनवा दिए। जो मैच एक तरफा जीत रहे थे वो एक तरफा मैच क्लोज हो गया, क्लोज मैच कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को बोल दिया कि भाई अब जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा तब तक मैं बैटिंग करूंगा। तो अभी वापस से लड़के तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं अभी फील्डिंग पे। मैच काफ़ी अच्छा रहा, दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छा खेला जो मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि मैच एक्सपीरियंसेस कम होते हैं बहुत, तो बच्चे अब खेलने लगे हैं दोबारा से सारे, और अकेडमीज के भी खेलने लगे हैं, रेगुलर मैच होने लग गए हैं। अभी शायद कल, हाँ आपके लिए तो कल ही हो जाएगा, हाँ कल, अभी कल हमारा मैच होने वाला है निविया स्पोर्ट्स क्लब से, जो कि मेरे खास दोस्त देवेश की एकेडमी है, देवेश चौधरी की, है ना। जैसे भी जो पूनम कॉलोनी से लड़के हों या केंद्र विद्यालय नंबर 2 के आसपास के जो लड़के हों तो वो वहाँ एकेडमी पे जा सकते हैं, अपने भाई की एकेडमी है, और जो यहाँ आना चाहते हैं मेरी एकेडमी में वो भी आ सकते हैं। तो अभी मैच की अपडेट मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा मैच हुआ, विकेट बहुत शानदार खेला, मतलब विकेट पहले वाले मैच के मुकाबले बहुत अच्छा चला, मज़ा आ गया, बॉल बहुत अच्छा गैदर कर रहा था, बहुत अच्छा राइज हो रहा था, तो मज़ा आया, मतलब मैच में ओवरऑल बढ़िया मैच रहा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते रहो यार, शेयर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता। देखो जितना शेयर करोगे, जितना करोगे भाई, देखो चैनल मोनेटाइज हो गया है तो थोड़ा व्यूज़ से कुछ आ जाए तो मैं क्रिकेट पर लगा पाऊँ, मैं गिव अवे कर पाऊँ, मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ जिनको सच में ज़रूरत है स्पॉन्सरशिप्स की। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको
मेरी वीडियोस को शेयर करना है, पूरा पूरा वॉच करना है। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी से।